Frau. तबीयत की जायदाद शायद पूरी जायदाद चाचा को। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो है ना व्लॉग बड़ा स्पेशल है क्योंकि हम तीनों जा रहे हैं इस वक्त मेलबर्न ग्राउंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शक्ल है ये जाहिर सी बात है हम नहीं जा रहे क्योंकि भाई वीजा नहीं दिया अभी तक ऑस्ट्रेलिया वालों, वीजा नहीं दिया, ये मैच हमारे हाथ से निकल गया। तो भाई हम मैच को निकलने नहीं देंगे और हम जो है इस वक्त जा रहे हैं अपने स्टूडियो और स्टूडियो में हमने सेटअप लगाया हुआ है और वहाँ पे बैठ के मैच देखेंगे। बाबा भी वहाँ डायरेक्ट पहुँच रहे हैं, बट मसले की बात ये है कि शफीक साहब ने अभी एक बैड न्यूज दी है। पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है क्योंकि टॉस हार चुका है और जहाँ तक हमें लग रहा था कि पाकिस्तान को जो है बॉलिंग करनी चाहिए थी अगर टॉस जीता, बट टॉस हार गया ऑब्वियसली, सो इंडिया ने भी वही फायदा उठाया। सो इंडिया बैटिंग नहीं कर रहा है, वो बॉल करेगा, पाकिस्तान बैटिंग करेगा। अब देखते हैं पाकिस्तान क्या टारगेट देता है, उसके बाद फिर क्या होता है। तो हम अभी जा रहे हैं ऑफिस और फिर आपको बता दें क्या सीन है। भाई फाइनली हम लोग ऑफिस पहुंच गए और ऑन टाइम पहुंच गए, बैटिंग शुरू होने वाली है। अच्छा भाई, अभी थोड़ा मसले की बात ये है कि हम लोग ज़्यादा शोर नहीं कर सकते क्योंकि पीछे रिहर्सल चल रही है स्क्रिप्ट की, सो थोड़ा सा चुप रहना पड़ेगा और इंडिया पाकिस्तान के मैच है तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। भाई क्या ग्राउंड है यार मेलबर्न का, मैं दिखाना नहीं चाह रहा बिलाव जी स्ट्राइक आ जाएगी, बट यार आपका भाई भी हो सकता था अगर वीजा ये टाइम पे दे दे मुझे, तो अभी भी टाइम है दे दें, आगे के मैचेस देख लेंगे। बट यार क्या एक्सपीरियंस होगा जो कोई भी मैच देख रहा था। बाय द वे फाइनल भी मेलबर्न में और हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान आए इंशाल्लाह। भाई तो पहली बॉल जो कराने जा रहे हैं वो भुवनेश कुमार है, जो सिचुएशन है पिच की वो बॉलर्स की साइड पे आ रही है, बहुत स्विंग होने वाली है, बस 200 टारगेट कम से कम होना चाहिए। मतलब इतनी गंदी पिच है उसके ऊपर 200 टारगेट होना चाहिए, देखा ये काटी है वही बॉल, पहली बॉल है भाई। रिजवान की उंगली पे मार दी बॉल, अंगूठे पे लगी है, एक्स्ट्रा बाउंस को दी, बाउंस हो गई है, चार बॉले हो गई है और एक भी रन नहीं है। तो अभी बॉलर की जो फेवर में मैच आ रहा है ऑब्वियसली, और बारिश भी नहीं हो रही है फिलहाल। भाई पांचवी बॉल बच्चों क्या काटी है बॉल, अरे मुश्किल सीन है। डीके ने अच्छा पकड़ा भाई, अच्छा कीपर डीके, अर्शदीप का अवर है भाई साहब और एक रन है हमारा। अब क्या ख्याल है, पहली बॉल आउट हो गया, और बाबर बाबर साहब गए आउट है यार, बैट इन्वॉल्व नहीं हुआ। बाबर भाई आज डक पे गए, ये देखो जाया किया, साफ था यार, क्या खेला यार बाबर यार, तो आप डक पे आउट डक पे आउट। ये तो कंफर्म था कि जिसकी बॉलिंग होगी और वो ही हावी होगी, क्या स्विंग हुई है, बॉलिंग आएगी बट रन्स तो कुछ हो भाई, रन्स भी तो दूसरा भाई, इंडिया टीम है तो 180 एटलीस्ट स्कोर होना चाहिए, 180। ये लो ये भी बचत हो गई है, ये भी पैड पे लगी बट ये ऑफ, शान मसूद अभी बचा है, ये देखो फाइनली 4 लगा है रिजवान का, मगर वो कितना बचा है अब ये भी तो देखो पैड पे। भाई बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, बॉल बहुत स्विंग हो रही है भाई, दोबारा सिंदरपट्टी बचत हो गई, अपील दिए शान मसूद की बट इंटरेस्टेड नहीं है रिव्यू लेने के लिए, बट यार स्टिल यार बॉल बड़ी जबरदस्त हो रही है। पेस की बात करते हैं तो इंडिया भी कुछ कम पेस नहीं मार रहा है, खतरनाक 2 रन बने, विकेट बची है शान मसूद की। शान हाँपने क्यों लग जाता है यार, मतलब उसकी फिटनेस का क्या मसला है क्या? शान मसूद लग रहा है पैड से खेलने के लिए आया हुआ, पूरा ओवर इसमें भुवनेश कुमार का पैड पे लगा गया है ना, ये बचाइए, और लकीली कोई भी बॉल अंदर नहीं थी वरना आउट हो जाते भाई यार। हरी बारी भी आएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो, रन तो बने। आपने कल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला मैच देखा, तो न्यूजीलैंड ने कितने बनाए थे आप ये तो देखो, तो ऑस्ट्रेलिया ने होम ग्राउंड के अंदर 10 बार हारा है और न्यूजीलैंड हारे, अभी स्टार्टिंग में 4 ओवर तो नहीं करा लेंगे ना, अब बॉलर चेंज करेंगे वो भी। संजय मंजरेकर कुछ कह रहे हैं तो भाई हम मान लेते हैं। एक पहला 4 निकला शान मसूद का, बैट से लग रहा अर्शदीप, मगर यार स्टिल बॉल अच्छी डाल रहा अर्शदीप, अब भुवनेश्वर ने भी बड़ा अच्छा ओवर डाला, अभी सूर्य कुमार भी रहता है इनका, वो भी बॉलर है, तो 3 पेसर इंडिया ने भी डाला। अच्छा हाँ शामी नहीं खेल रहा है, खेल रहा शामी भी तो है भाई, जो इंजमामुल हकम हवा है। आप इतना लेट आए कि हमारी एक विकेट उड़ चुकी है, आपको पता है
वालेकुम सलाम। इंजी भाई कहाँ थे आप? हलवा माशाल्लाह हलवा पूरी लेने गए हुए थे ये। ओ भाई भाई व्लॉग कोई भी हो खाना खाना परमानेंट है। अच्छा वैसे हम तमाम लोग खा चुके हैं, आप ये अपने लिए लेकर आए? हाँ अपने लिए, लेकिन एक बंदा और है जो खा भी चुका होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। देखे रिजवान का कैच हो गया यार, सारी बुराई हट गई। अब वो जो भी पाकिस्तान का जो लोग कहते थे मेजर है, अब वो नहीं रहा। अरे यार ये क्या शॉट खेला है यार, और पीछे सर। अब जो अब देखे हमारे जो जो ओपनर से ना वो तो गए, पूरा डिपेंडेंट हम है मिडिल ऑर्डर पे, और मिडिल ऑर्डर हमारे क्या है ये सबको पता है। बट आज सरप्राइज करना चाहिए मिडिल ऑर्डर को। बॉलिंग अच्छी है तो बॉलिंग क्या 10 रन डिफेंड करेंगे कम से कम यार, रन तो अच्छे हो। कौन आ गए? इफ्तिखार चाचा। आपने अपना मुंह देखा? अपनी अपनी उम्र देखी तुमने? तुम शर्म करो, छोटा भाई अपनी उम्र देखी इनका? छोटा छोटा अबे यार, मगर यार बाबर और रिजवान दोनों का यार, इंडिया का टारगेट यही था कि शुरू में इनके ओपनर था और फिर जो है ना मिडिल ऑर्डर पता है इनको क्या था। जॉन कितना बड़ा है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा। बाउंड्री तक पहुंची भी नहीं, उससे पहले रुक गई, खुद ही रुक गई वो। तीन रन बने। अच्छा भाई ये जो लोग कह रहे थे ना कि भाई फलाना नहीं जाओ, पनौती हो ना आदमी जाओ, अब हम तो यहाँ बैठे बताओ कौन पनौती। तो भाई ऐसी चीज है ये सब, ये तो हम परस्ती होती है, ऐसे ना किया करें चाचा। अच्छा आज जो है ना चाचा हीरो बन सकते हैं, अगर आज के मैच में चाचा चल गए ना तमाम गलतियां माँ। आप तुम्हारे छोटे भाई है ना, जैसे अभी उसकी धुली अर्शदीप की दो विकेट ले गया, वो भी ओपनर्स की भाई, और बॉल अच्छी डाल रहा है, ये नहीं है कि तुक्का है, बॉल बहुत अच्छी डाली है। मैच कुछ भी हो ये खाना बहुत जरूरी है, ये बाबा को भूख लगी शदीद भाई। चाचा ने चाचा ने आज क्या मार दिया, चौका एक और मारा चाचा ने, तीन पे छह। अवनेश कुमार को मगर यार बॉल भी तो देखो ना, उनके ऊपर बाउंसर डाली है और दूसरों को वो जड़ों में मार रहे थे, यौकर डाल रहे थे दूसरों को। चाचा बिगार दोनों छोले के दिल दोनों इनको, सिर्फ फिगर ये नहीं है कि कितना आउट होगा, इनको ये फिगर है भाई दोनों छोले की दे दी एक आलू की तरकारी की। बताओ यार मजा खराब कर दिया मैच का भी मैच का या नाश्ते का? अच्छा, हलवा आया शफीक बोल रहा था। अच्छा शफीक भाई जो ना तिरछी नजरों से देख रहे हैं हलवे की तरफ, मुझे पता नहीं शफीक बोल रहा मैं नाश्ता करके आया हूं, आप देखिए सबसे ज्यादा खाएगा मुझे पता था। अच्छा वैसे जो मजा है ना देखो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने का जो ग्राउंड का मजा अगर आपने एक दफा ले लिया तो फिर आपको टीवी पे वो मजा नहीं आता। तो मैं अभी तक वो इमेजिन कर रहा हूँ कि ग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी। जो सबसे अनोइंग चीज़ होती है ना लाइव मैच देखने की टीवी पे, वही होते ऐड। आपको हर ऐड भले वो आप बहुत अच्छा बना हो बड़ा जहर लग रहा होता, बहुत बुरा लग रहा होता। खैर यहाँ पे नाश्ता स्टार्ट हो गया और बहाल इन दोनों की, ये लोग भी नाश्ता करके आए हुए मतलब सब खा रहे। अरे शामी आ गए, शामी की पहली बॉल और शामी ने अच्छी बॉल डाली है शान मसूद को, सब अंदर करवा रहे, उनको पता है यहाँ से नहीं खेली जाती इन लोगों से, है ना। लाइन है देखो इनकी लाइन और लेंथ जो है ना बड़ी जबरदस्त चल रही है, सर पैड पे भी लगी तो बड़ा मसला हो सकता है। बारिश भी नहीं हो रही यार, मसला है बारिश भी नहीं हो रही। मैं बोल रहा हूँ बारिश कराओ भाई। शामी साहब तीसरी बॉल, अरे शामी ने थोड़ी सी बाहर की तरफ डाली और शॉट मार दिया गया है, बट ग्राउंड थोड़ा बड़ा है मगर ये चौका 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 हो गया। शान ने चौका मारा, देखो ये वजह ये बाहर की तरफ नहीं डाल रही, ये अपनी हर चीज इनसाइड डाल रहे हैं तो इसकी वजह से कभी शॉट्स नहीं लग रहे पाकिस्तान के। जहाँ थोड़ी सी बॉल आउट हुई और चलो मतलब पेट में कुछ गया तो इनको थोड़ा याद आया कि हाँ मैच भी चल रहा है, वरना इनको कद्दू कोई फिक्र नहीं थी, इनको ये फिक्र थी कि आलू की तरकारी क्यों नहीं थी। ये देखो यार अरे मार दिया, नहीं होगा नहीं होगा, इतनी देर में पहुंचे चौदह तीन तो भाग। कितना बड़ा ग्राउंड है यार, जो ग्राउंड खत्म ही हो रहा भाई, ग्राउंड इतना बड़ा ऊपर से हमारे प्लेयर में जा रही नहीं है। बट यहाँ पे बेनिफिट जो है इंडिया को, इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वो उनको थोड़ी सी आदत है ये ऑफ सीजन ग्राउंड पे खेलने, तो उनको पता है कि वो बड़े शॉट्स मार सकते हैं, तो हमें बड़े शॉट्स मारना है, ये बॉल तो जा ही नहीं रही है। अजीब आदमी है यार शान मसूद, बट स्टिल यार हार्दिक पांड्या ने फुल चेक करे यार। आप हलवा पूरी खाओ यार, हार्दिक पांड्या जबरदस्त है यार। बाबा आपकी क्या प्रिडिक्शन है, कितना स्कोर होना चाहिए? 150 प्लस कितना होना चाहिए? 130-140। ये मतलब टारगेट कह रहा है हम फाइट कर सकेंगे, यही बनेगा आप देखिए। नहीं ये बनेगा नहीं, कितना होना चाहिए? होना ही चाहिए, होना कम से कम 180 चाहिए। 180 ओके, तो आप क्या कह रहे हैं शफीक साहब? 150 प्लस भाई का फोर हो गया पांड्या की बॉल पे, पांड्या की आखिरी बॉल थी, मतलब हम लोग अब क्लोज आ गए ओवर्स के, वरना तो हमारा शुरू के दो ओवर में दो रन थे हमारे ऑनेस्टली। यार आपको पता भी है किसका मैच चल रहा है इस वक्त? अच्छा चलो शुक्र ये इनको पता है।
चाचा है इनकी एनर्जी ऊपर आ गई। चाचा को अलगा नहीं लो, अगर चल गए ना तो चांद तक चांद तक हाँ, मतलब ये कि फिर आप बाबर और रिजवान को भूल जाओगे चाचा चल गए। यार ये इन्होंने पहली पॉजिटिव बात बोली है, बाहरल प्लेयर हमारा ही है तो हमें अपने प्लेयर को ओन करना चाहिए। क्रिटिसाइज से ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बट जो भी उस वक्त खेल रहे हैं तो वो हमारे प्लेयर है, तो जैसे भी है हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें और हमें उनसे प्यार है। यार ये क्या हुआ भाई, ये बॉल जो है ना बिला वजह छेड़ी है, ये नो बॉल है, क्योंकि यार मुझे भी थोड़ा सा शक हुआ इस बॉल पे, बट स्टिल यार चांसेस है ना आउट भी हो सकता है, ओरिजिनल डिसीजन आउट है। गया बच्चा तो गया, बच्चा तो गया, बच्चा तो गया, ये लगी है भाई। ट्राई करो भाई, ट्राई करो। हर कोई यार विराट जैसा बैट्समैन वो नहीं होना था, स्पोर्ट्समैन। अरे जड़ों में दिए, जड़ों में दिए। चाचा कोशिश कर रहे हैं इफ्तिखार भाई के कुछ हिट करें। अश्विन की पहली बॉल पे पहला रन, और अश्विन के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ता, क्रीज से निकलते पीछे से आउट कर देता अश्विन, आपको पता है ना। अभी उंगलियों पे लगी अश्विन भाई के, लेकिन वो अपना काम दिखा सकते भाई। चाचा ने अभी एक फोर मारा हार्दिक पांड्या को, और एक और मार दिया नहीं। शफीक भाई आपको बताते चले, पेनाडोल वैसे ही खत्म हो चुकी है पाकिस्तान में, सो जरा देख संभल के आप बैठिएगा। आपने अपना बीपी चेक करवाया और बीपी की चॉकलेट ये देखो, ये भाईजान आज एडिट करेंगे ये, तो ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो अगर कोई भी आपको भंड लगे इनका नाम टैग कर दूंगा, जाके स्ट्राइक मारिएगा इनको। आपका वोट है पाकिस्तान की तरफ, बाबा आपका वोट किसी तरफ है? अर्जदीप के बहुत अच्छे ओवर गए, दो ओवर में 10 रन दिए अर्जदीप ने, और पावर प्ले पे कराया, सबसे बड़ी बात ये थी शॉट मार दिया। बट ये है कि आज इंडिया जो है ना काफी ज्यादा तैयार होकर आया, मुझे लग रहा है कैच ड्रॉप नहीं है एक्चुअली, मेरी वजह से ड्रॉप नहीं हुआ। ये रन कम है ना, 9 रन ही चाहिए, क्योंकि पिछले ओवर का भी तो आप वो पूरा करो ना, आउट नहीं लग गया। चलो चलो कोई मसला नहीं यार, अभी आसिफ है। अरे यार क्लियर आउट है यार, हमें चलो भाई एक रन आया और 10 रन दिए पांड्या ने, बट पांड्या 3 विकेट ले गया आपको पता नहीं, जबकि मेरे ख्याल से कि बॉलिंग पांड्या ने बहुत अच्छी नहीं डाली, बट वो जो कैचेस जो निकले ना वो उसने जो है विकेट्स को देकर आया पांड्या के। बट पांड्या का मसला ये कि पांड्या जो है उसका बल्ला बहुत जबरदस्त चलता है और बहुत ऊंचे शॉट्स मारता है। अर्जदीप आ गया, अर्जदीप ने शुरू का स्पेल बहुत अच्छा डाला है, और अब लेट्स सी कि बॉल थोड़ी पुरानी हो गई है, अब क्या होता है, बॉल थोड़ी पुरानी हुई है तो थोड़ी सी कम नहीं होगी, बट मसला ये है कि 4 विकेट्स अभी हाफ में है, तो शान का टिका रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हमारे पास हार्ड हिटर बचे नहीं है। ये क्या हरकत करी है, बॉल से बचने के चक्कर में आसिफ आसिफ बैटिंग कर रहा, शाहिद आफरीदी को भेजा भैया किसी तरह खेच खेच के जो है ना 150 प्लस ले जाओ, 160 एटलीस्ट कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। अरे हक भी आया हुआ है, शफीक भाई की काली जबान, शामी भाई को बैक टू बैक 4-4 और 48 हो गए, शाम के 37 बॉल पे 133 हो गए, आखिरी ओवर में 8 रन तो आ गए, 2 बॉल रह गई। अबे व्हाइट बॉल खेल रहा है, व्हाइट बॉल थी ये, मारा किसने पहले, ये चेक शाहिन शाफरीदी ने मारा 6 और 4-6 मारा है, हर्षदीप पूरा मेडल बना दिया, पूरा मेडल ले गया। अभी 170 लग रहा है, जिस तरह शाहिन करंट चल रहा है ना, सो कैसे खड़ा हो, कैसे कुछ नहीं, वो साला वो देखो जड़ों में मार के विकेट ना ले ले, इसको पता ही मारेगा, देखा क्या हुआ, चलो बोल बॉल अच्छी, बट उसने तीन मैंने बोला ना जड़ों में मारेगा, ये शान आ गया स्ट्राइक पर भाई, फिर दोबारा 149।
हमेशा जो डेड ओवर होता है अजदीप डालता है, आज भुवनेश्वर डालता है, वरना सेकंड लास्ट जो होता है वो भुवनेश्वर को देता है। चलो हाजी सौ आ जाओ भाई, चलो वो नसीम शाह तो 150 बने बट यार अच्छा स्कोर देखो 200 स्ट्राइक भाई T20 में आप स्ट्राइक देखते हो कि जो प्लेयर है कितने टीम को 16 रन अगर वो देकर गया है तो अभी की कंडीशन में सही है, वरना हर प्लेयर को कम से कम 18 से 20 रन देने चाहिए हर प्लेयर से। आरिफ साहब तीन बॉल ले लेगी, बर्दाश्त कर लो। आरिफ राव, आरिफ राव I love you। जो ना पावर प्ले में कम से कम 3 विकेट फिर मजा आ जाएगा। तो इंडिया की बैटिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपको पावर प्ले में ही आपको विकेट्स लेनी, और पावर प्ले में अगर आपने रन्स रोक लिए तो फिर सीन ऑन हो जाएगा। रोहित ज्यादा LBW है, आमिर ने शाइन नहीं शाइन आ रही है जिसकी वजह से प्लेयर को मसला हो रहा है, ये रहेगा फॉल की वजह से थोड़ा सा उसको चमक रहा है। आई थिंक रोहित शर्मा सेड लेट इट बी, डजंट बॉदर मी, लेट इट बी। यार जितने अगर इंडियंस को देख रहे हैं ना तो आपको बताना चलना चाहिए कोहली एक ऐसा प्लेयर है जिसको पाकिस्तान में भी बड़ा मतलब प्यार किया जाता है। जब पाकिस्तान के खिलाफ जब होते हैं तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि वो परफॉर्म करें, बट जब कभी भी पाकिस्तान से मैच नहीं होता तमाम पाकिस्तानी चाहते हैं कि कोहली परफॉर्म करे। कोहली की 100 हुई, भले वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट हुई बट हम भी बड़ा खुश हुए थे। तो कोहली भाई देखो पाकिस्तानी क्रिकेट लवर है तो हम नहीं देखते कि उसके पीछे जो फ्लैग कौन सा लगा हुआ है, एक्सप्रेशन दिखा है उसके रोहित के, मैंने बोला रोहित दिया भाई। मसला ये है कि ये जो लोग है ना रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दो जो है ना अगर ये जंग है ना बॉस तो अच्छा खासा स्कोर इंक्रीज कर देखो ये होती है अकलमंदी।
अगर बॉल समझ में आएगा तो छोड़ दो। भाई नादिर की कॉल आई है, पब्लिक कह रही है कि भाई कहीं ग्राउंड में नादिर तो नहीं बैठा हुआ था शुरू की इनिंग में छुपके से। भाई नादिर अली की कॉल थी, वो भी टेंशन में बैठा है क्या चल रहा है बच्चा तो भाई। वो रोहित का कोहली था, बाबा हारिस रऊफ आ गया। अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट हुई हुई है एडवर्टाइजिंग, लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए हैं, अबे मेरे पैसे तो मेरे वीजे पे उस पेज पे और जाना है, मगर एक बंदे को तेरी बेफिक्र है गोटियां गिरी है। अरे क्लियर कैश था। अच्छा सूर्य कुमार आ रहे हैं भाई, सूर्य कुमार हमारे आगे रहू और फोर पकड़ पकड़ जल्दी भाई, ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है चाचा बड़ा ग्राउंड है और मैच को आपको थोड़ा सनसनी बना, बाउंड्रीज आपको छोटी करनी चाहिए। अभी मसला ये है कि आपके विराट कोहली पांड्या भी एक उनका बैट्समैन है, 142 आप लगे बस्ती में बाबा अपनी मस्ती में। नहीं अभी अभी हारिस रऊफ रिकॉर्ड डालेगा तो ये पावर प्ले में, और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो हम दुआ कर रहे थे कि पावर प्ले में जो ना इंडिया का स्कोर रोकना है और विकेट लेनी है, वो 148 की स्पीड हारिस रऊफ बहुत ज्यादा भाई पेस मार रहा है, बट अभी थोड़ा सा स्टेबल 85% ओहो प्रेडिक्शन जो है प्रेडिक्टर जो है वो अभी बता रहा है पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा, बट इस पर मैं बिलीव नहीं रखता हूं क्योंकि ये मैच में ये होता कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबसे अच्छी चीज ये कि 3 विकेट जा चुकी है पावर प्ले के अंदर, आखिरी ओवर है पावर प्ले का, इसके बाद लेट्स सी क्या होता है, बट पाकिस्तानी पेसर्स का जो ओवर है ना वो कम हो रहे हैं। चाचा बॉलिंग नहीं करेंगे। अगर कहा था कि होम ग्राउंड है मेरा मेलबर्न तो अभी थोड़ा सा प्रूफ भी किया उसने और 2 विकेट अभी क्या कर रहे हैं 2 विकेट चौका खाया और दूसरी बॉल पे विकेट ले, लोगों को मुस्तकिल डिस्टर्ब करेगी, प्लेट कट्टी लगी हो या बिरयानी रख देते हैं सर, अंडर प्रेशर आ गए मुखालिफ टीम हो गया। जो कॉन्फिडेंस होगा इस वक्त पाकिस्तान के ऑडियंस में और जो उनके आगे का हम स्टिल कुछ नहीं कह सकते, T20 मैचेस है कोई भी प्लेयर काम कर सकता है, बट जो सीन हो रहा होगा ना इस वक्त ग्राउंड में वो मैं फील कर सकता हूँ। गुड बॉल गुड बॉल, ये देखा देखा आपने कोशिश की थी और नाइस बॉल। आज हमारे जो लौंडे है ना आज ये वफा कर रहे हैं मेलबर्न में। सौ रन बनाने बड़ी बड़ी बात नहीं है यार, बैड था पैर उसको फोर्स कर रहा है ना उन लोगों ने, बैड है बैड है। विराट ने और हार्दिक पांड्या ने नवाब को 2 छक्के मार दिए, 4 बॉल पे 2 छक्के, अभी तक 13 रन दे चुके हैं नवाब इस ओवर में, अभी भी 2 बॉल बाकी हैं और ऊपर चले गए। चुप
कवर कर लिया काफी अच्छा। इंडिया के 70 क्रॉस कर चुके हैं इंडिया, अभी 8 बॉल 8 ओवर रहते हैं। अगर ये स्पिनर बिल्डिंग है तो गलत करेंगे ना, हमें तो सही चाहिए। अगर ये कैच होता ना तो बॉक्स ये करवाना, जैसे कल 4 कैचेस, कल की दो मैचेस में 4 कैचेस बड़े जबरदस्त हो गए। बॉल बढ़िया, आखिरी बॉल पे ये मारने की कोशिश करेगा। लेट्स सी शादाब क्या करता है, क्योंकि ये इस पे, क्योंकि वजह ये कि यार हमारे पास पेसर्स को ओवर कम है, काफी काफी कवर कर लिया इंडिया ने। वेरी गुड बॉल, 7 रन्स दिए बट अभी भी 6 ओवर अभी पेसर्स का काम है। आई थिंक ये अब हारिस राउंड को लेकर आएंगे। गुड चेक यार, गुड स्लो बॉल, अबे सिंगल, बहुत बड़ा ग्राउंड है, इजी बनते हैं भाई लोग यार, ये तो रोक रहे हैं। हारिस जो है ना ये एशिया कप में एकदम से चार ओवर में कितने हार्दिक पांडे और विराट खाने दो ना, अभी तो यार ये रन आ गए दो बोलो कैच यार, यार इतना बड़ा ग्राउंड है यार, रोको भागो यार, कैच यार। बट जो भी है बड़ी एफर्ट मार रहे दोनों, ये आपको एज अ क्रिकेट लवर जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। कैच यार, अभी रुक जा, रुक जा, सब सब आ जाता यार, ये बाउंड्री ना पड़े, ये मारने की ऑब्वियसली विकेट जाएगी, विकेट जाएगी, विकेट जाएगी, मैंने बोला था सिक्स मारने की कोशिश होगी। 7 बॉलें बची हुई है और 21 रन चाहिए, 22 रन चाहिए, सॉरी 7 बॉलों में 22 रन, अल्लाह करे ये बॉल डॉट हो जाए, क्योंकि आखिरी ओवर स्पिनर का होगा ऑब्वियसली और वो पोजीशन है। कोई बात नहीं, 3 बॉल अभी, 3 बॉल बाकी है,
बहुत जबरदस्त विराट खेला है और विराट को पूरी ये जीत पूरी विराट की आती है।